कमलनाथ कैबिनेट के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी सुबह सुबह बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने इंदौर को तीसरी बार स्वच्छता में नंबर वन बनाने का नारा बुलंद किया। देखिए खास रिपोर्ट। कमलनाथ के मंत्री जी का अनूठा अंदाज, साइकिल से पहुंच गए बीजेपी नेता के घर, इंदौर नंबर वन का नारा किया बुलंद। ये है शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी का अंदाज। ये है कमलनाथ के कैबिनेट के शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी, जो अपनी सेहत का फॉर्मूला कभी नहीं भूलते। जी हाँ, मंत्री बनने के बाद भी जीतू पटवारी की तेज रफ्तार के साथ साइकिलिंग जारी है। राजनीति के मैदान में विरोधियों को ललकारने की बात हो या फिर राजनीति से परे विरोधियों से अपनापन की, जीतू अपने अंदाज से दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यही वजह है कि मंत्री जी बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वच्छता में इंदौर को नंबर वन बनाने का नारा भी बुलंद किया, साथ ही ग्रीन इंदौर के लिए जागरूक भी किया। हमारे इंदौर शहर को तीसरी बार नंबर वन बनाने के लिए आप सब पूरे इंदौर के, हमारे शहर के परिवार के लोग, खासकर आम जन जिसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, सब प्रयास करें। मैं समझता हूँ कि अपने आप में गौरव का विषय होगा कि देश में जब स्वच्छता का अभियान चलता है तो दो बार लगातार हमारा इंदौर नंबर वन आया। और ये होम कंपोजिंग का एक नया फार्मूला आया है जिसमें घर के अंदर खाद बनता है। मैं समझता हूँ ये अपने आप में इस बात की घोतक है कि जो छोटे मोटे हमारे गमले वगैरह, इसी खाद से हम डाल के अच्छा हरियाली के प्रति भी समर्पित हो सकते हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि खूब भाव से स्वच्छता के अभियान में हम सब जुड़ें, होम कंपोजिंग में भी आप सब सहायता करें और तीसरी बार नंबर वन इंदौर कैसे आए इसके लिए प्रयास करें। मैं, हमारे परिवार के बड़े भाई आदरणीय मधु वर्मा जी भी हमारे परिवार के साथ ही, इन्होंने इंदौर के लिए बहुत कुछ ऐसी सौगातें दी है और अपना इनका व्यक्तित्व इस बात का बड़ा सकारात्मक रहा है कि अच्छा काम हो, वो भी इसका आप लोगों को आश्वस्त करें। पूर्व आईडीए अध्यक्ष मधु वर्मा चुनाव में जीतू पटवारी के सामने प्रत्याशी थे और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला भी देखा गया, लेकिन जीत के बाद भी मंत्री जीतू पटवारी मधु वर्मा के दिल के करीब हैं। इस दौरान मधु वर्मा ने भी इंदौर को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। बार बनाने के लिए बोला है, निश्चित है लगातार से, मैं समझता हूँ नगर निगम यहाँ पे काम कर रही है और मैं समझता हूँ इंदौर जिस तरह स्वच्छता में देश में नंबर वन दो बार आया, इस बार भी आएगा। और मैं समझता हूँ यहाँ के नागरिकों का जितना सहयोग है, मैं समझता हूँ उतना सहयोग कहीं दूसरे शहर में नहीं मिलता है। और यहाँ पर जो कर्मचारी हैं नगर निगम, उन लोगों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के मतलब इसमें सहयोग किया। निश्चित सवेरे से निकल कर दिन भर काम करते हैं और आने वाले समय में तीसरी बार भी शहर नंबर वन बनेगा। लगातार हम सबको राजनीति से ऊपर उठ के इस शहर के लिए काम करना चाहिए। अगर हमारा शहर अच्छा है तो हम सब अच्छे रहेंगे। और निश्चित है कि कभी भी कोई भी लड़ाई लड़ना पड़ती है तो उस देश के लिए वहाँ के नागरिकों को लड़ना पड़ती है। अगर शहर को अच्छा बनाना है तो शहर के लोगों को लड़ना पड़ेगा और निश्चित है आने वाले समय में नंबर वन तीसरी बार बनेगा। हम सब मिलके इस शहर को अच्छा बनाएंगे। कुल मिलाकर मंत्री बनने के बाद भले ही जीतू के कंधों पर सरकार के कामकाजों का बोझ बढ़ गया हो, लेकिन इसके बाद भी राऊ की जनता के बीच उनकी सक्रियता लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।